तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों? अभी तक तो ठीक थी। मैंने फैसला कर लिया है, पक्का फैसला कर लिया है। अब मुझे कानून ही पढ़ना है, लॉयर बनूंगी मैं। हाँ तो ठीक है, बन जाना लॉयर, इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है इसमें? गुस्सा तो मुझे एक और बात पे भी आ रहा है भाई। मैं तो इसलिए लिहाज कर रही थी ये समझ के कि वो पैदाइशी दुखी है, लेकिन नहीं भाई, ये बंदा किसी भी लिहाज और मुरब्बत के काबिल ही नहीं है। कौन, किसकी बात कर रही हो? हद होती है खुद पसंदी की, अब तो मेरी भी तौबा कि मैंने इस जगह से भी लिहाज कर लिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुक जाओ, क्यों, बैठ जाओ ना, थोड़ी देर बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अब ये माहौल कोई अच्छी बात करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए बैठना फजूल है। मैं जा रही हूँ। क्या बोला आपने उसको? क्या मैं क्यों उसे कुछ कहूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कैसे फजूल लोगों से बात करूं। और ये तो फजूल के साथ साथ पागल भी है, इग्नोर कर उसको। क्या हो गया है भाई, अच्छी बड़ी लड़की तो है, ऐसे नहीं बोले। तुम्हें अच्छी लगती होगी। नाराज कर दिया बेचारी को। आप तो सही कहती थी, इस घर में आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है भाई। हाय मोना, हुन प्रूफ मिल गया ना तुझे, इस घर का पूरा निजाम अम्मा जी और महीर ये दोनों चलाते हैं, सारे फैसले ये खुद करते हैं। भाई जो भी है, लेकिन ये महीर को क्या हो गया है, पहले से कई ज्यादा संगदिल और प्राउड हो गया है। पहले मैं आया करती थी, कितना हंस-हंस के बात किया करता था, मजाक किया करता था, मगर अब तो सीधा मुंह बात ही नहीं करता, बल्कि मुझे देखकर मुंह क्या फिटे मुंह बना लेता है। उसका कोई कसूर नहीं, चुंडाल है ना रानिया, उसकी वजह से। उसे काबू कर लिया ना उसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वो, लेकिन तुझे इसलिए तो जल्द से जल्द बुलाया मैंने, जादू तोड़ काबू करना महीर को, है हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या करूं, कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखता। डोंट मायूस, ये अगर सीधी उंगलियों से नहीं आता टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है मुझे। मैंने अपने माइंड में ना फिट कर लिया है, शादी महीर की तेरे साथ होगी, समझ आई? इस घर में अगर महीर की कोई दुल्हन आएगी ना तो वो सिर्फ तू। डॉक्टर साहब, ये गले में बड़ी तकलीफ है, कोई नई दवा लिख दीजिए, पुरानी दवा से बिल्कुल कोई फायदा नहीं। बुजुर्गो जादू की पुड़िया दे दूं, यहाँ दूं या आराम आ जाए, शर्म भी ख्याल नहीं रखते, पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप लोग, ये पकड़े अपनी फाइल, बस डॉक्टर दवाएं चेंज करता रहे। हाँ तो okay। एक डॉक्टर की दवा एक मरीज पे इतना असर नहीं करती जितने उसकी मुस्कुराहट और खुश अखलाकी करती है। अच्छा आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा जल्द सेहतियाब हो जाएंगे आप, बस ये जो मेडिसिन दे रहा हूं इसे टाइम से खाइएगा और दो दिन में आके जरूर चेक करवाइएगा। ये जो मेडिसिन है ये टाइम से खाइएगा। हाँ बेटा, वो तो मैं ले लूंगा, एक बात बताओ। बोलिए। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है अंकल, दवाई मिल गई ना, चले चलो, अल्लाह हाफिज़।
नेक्स्ट पेशेंट को बुलवाइए। ये आखिरी थे। अच्छा एक बात बताइए। जी जी सर पूछे। इतनी परेशान क्यों गई हैं? वो पूछना ये था कि वो आपकी दोस्त, वो जो हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स को तसल्ली देती थी, सबका ख्याल रखती थी, बात होती है उससे आपकी? आप यकीनन रानिया की बात कर रहे होंगे, है ना सर? रानिया? हाँ, कैसी हैं वो? वैसे तो कभी कभार ही बात होती है, लेकिन आजकल वो अपने एक नए मिशन में बहुत मसरूफ है। मिशन? कैसा मिशन? जी सर, चार दिलों को मिलाने की कोशिश कर रही है और उनके रास्ते हमवार कर रही है। हाँ जी, चार दिलों को मिला। सॉरी सॉरी सर, मैं आपको तफसील से समझाती हूँ। दो मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान सालिम समाज आ गया, और दो फिलहाल कवारे हैं। बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ भी जालिम समाज के आने का खतरा है। अच्छा, खैर आपकी जब बात हो तो मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, अच्छी लड़की है। आपको याद है वो सर? ऐसे लोग बुलाए नहीं भूलते। सिस्टर रंजुम, आप कहाँ बातों में लगा दिया, राउंड का टाइम हो गया है, चलें। ये बताएं, खाना खा लिया? मैंने? हाँ भाई, और कौन है यहाँ पर? जी किले किले, डॉक्टर का थोड़ा ख्याल भी नहीं है, पूछ ही लेते। लगता है डॉक्टर वासिक का दिमाग दुरुस्त हो गया, इनके लहजे में कड़वाहट की जगह मिठास आ गई है। आ जाओ, इतना वक्त लगा दिया, टीचर को वक्त का पाबंद होना चाहिए। हाँ तो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है, मैं अम्मा जी को मुतासिर कर पाऊंगा या नहीं? तारीख गवाह, दुनिया की किसी भी अम्मा जी ने लड़के की ड्रेसिंग देख के उसको अपनी फर्जंदी मिलने का फैसला नहीं किया। हरे लड़के की तालीम, उसका इखलाक, उसकी खुशहाली और उसका किरदार देखा जाता है। ए यार, ये सारी की सारी चीजें मुझ में कूट कूट कर भरी पड़ी है, टेंशन नहीं लो। अपने मुंह में मिठो खुदी, बैठो यहाँ पे, बच्चों की अम्मा को बुलाती हूँ। अरे नहीं, अम्मा को क्यों, अम्मा जी को बुलाओ ना। अरे यार, मुझे ना उनको मुतासर करने की बहुत जल्दी है, प्लीज। शहनशाह, शहनशाह कितने रह गए? ओह अम्मा जी, देखे तो कौन आया, पड़ोस का फरहाद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वस्सलाम वस्सलाम। अच्छा, तेरी खुशकिस्मती है कि आज तो मेरा मूड बड़ा चंगा है। अम्मा जी, आपको ये जान के मजीद खुशी होगी, हमारे फरहाद साहब टीपू और मानो को पढ़ाएंगे आज से। लेकिन साढ़े घर वाले जी पढ़े लिखे ने, उन्होंने कोई कमी हो गई है कि पड़ोस से मदद ले रही है? अम्मा जी, मैंने बड़े पुष्कों से राजी किया इन्हें, और हमारे शैतान बच्चे घर वालों के काबू कहाँ आते हैं, फ्री में भी पढ़ाएंगे ना। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी भाई थोड़ी के तुसी साडे नलायक बच्चियां नु बंदा बनाने वास्ते आ गए हो, मैं उन्हें हुणे ही लग के ले आनी हां। गए किथे ने? आओ भाई, टीपू ते मानो देखो कौन आए, मास्टर साहब आए ने थानू पढ़ाने वास्ते, आ जाओ भाई। मेरी बात सुनो, राबेल को बुलाओ ना यार, से कम उससे मुलाकात तो हो जाए। टंगा तूफान देंगी। अस्सलाम वालेकुम, चलो बैठो पढ़ो। कल पढ़ लूंगा ना। नहीं बैठो यहां, कल से पढ़ लूंगा, आज में क्या प्रॉब्लम है, देखो कितने अच्छे ट्यूटर आए हैं तैयार श्यार होकर, क्या तुम्हें लगता है बड़े वेले हैं उनके पास, स्कोर कुछ नहीं करने को है, पागल है, अहमक है, गधा है, है? जो आ गया तुम्हें पढ़ाने के लिए, चुप करके बुके निकालो और पढ़ो। सुने, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा बड़ा थैंक यू आपका, आप पढ़ा रहे ना मेरे बच्चों को, मैं बस मानो को भी पकड़ कर लाती हूँ। टीपू निकाल किताबें। हेलो सर, सर सर, कौन सी बुक निकालूं? बेटा कोई भी निकाल लो, वो वाली बुक जो तुम बगैर किसी हेल्प के पढ़ सको, निकाल लो।
सर ये सही है? सही है, सही है। पढ़ो। एबीसी आती है? पढ़ो। सच कह रही हो आप भी? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमारे सड़े बुसे डॉक्टर साहब खुश अखलाक हो गए। वाह, अरे उनका तो बस ही नहीं चल रहा कि वो सब मरीजों को पपियां करें और जफियां डालें। सबके साथ ना घुल मिल गए हैं बहुत। तुम्हें तो आना चाहिए, बहुत हैरान हो जाओगी तुम भी उन्हें देख के। मैं तो पहुंच रही हूँ, ये मंजर तो वाकई मिस करने वाला नहीं है। वैसे तुम्हारी बात में ना बड़ा ही असर है रानिया। हाँ, है तो सभी समझ जाते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं, लेकिन बस इस घर में रहने वाला जो बागड़ बिल्ला है ना, वो ही सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ गई, मैं समझ गई, तुम सोड़े मुंडे की बात कर रही हो ना। वैसे ना उसमें नखरा जचता भी बहुत है। हाँ बस बस, रहने ही दें, इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम हो बड़ी खुश नसीब जो माहिर जैसा हीरो नसीब हुआ है। ओए होए, आप तो बड़ी तारीफें कर रही हो उसकी हैं। थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मतलब मेरा रास्ता ना सिर्फ तुमने हमवार किया, बल्कि मेरे रास्ते में खूबसूरत सी, नरम सी, मुलायम सी कालीन भी बिछा दी। मैं जब चाहे रावेल से आराम से मिल सकता। अच्छा आप ही, मैं ना हॉस्पिटल जरूर चक्कर लगाऊंगी। हाँ चले, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? बड़े खुश लग रहे हो। सॉरी, तुम कॉल पे बात कर रही थी, डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मामा जी ने ना सिर्फ मेरे लिए चाय बनवाई, बल्कि खुद भी मेरे साथ बैठकर वो क्या कहते हैं, वो उर्दू का बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है, क्या कहते हैं, सुड़क सुड़क के, यानी शुरुक शुरुक के चाय पी। हाँ हैं, ये कहाँ से आ गया बीच में, थोड़ा थोड़ा कहाँ से बीच में आ गया, नहीं वो और अच्छा सा लफ्ज था वो, नू नू, हाँ नोश फरमाई। मेरे साथ बिल्कुल चिपक के बैठी थी और मेरा इंटरव्यू भी लिया छोटा मोटा। इंटरव्यू पास हो जाओगे बेटा? सिस्टर, फराद नाम है मेरा और फराद दुनिया के किसी भी मैदान में फेल नहीं। चलो मुबारक हो, लेकिन दरअसल ना ये इंटरव्यू थोड़ा मुख्तलिफ होता है। बड़े बड़े कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले भी ना फेल हो जाते हैं। है? डराओ तो मत। अच्छा बात सुनो, जहाँ तुमने इतनी हेल्प कर दी है, थोड़ी सी प्लीज और हेल्प कर दो। अब आउटिंग का प्लान बनाओ ना किसी दिन, मैं राबेल के साथ एक पुरफिजा और खूबसूरत मुकाम में मिलना चाहता। ओए, मुझसे ऐसे बिल्कुल उम्मीद ना करना, जितनी मदद करनी थी ना कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मोहब्बत का इजहार करते ये लोगों को खूबसूरत पुरफिजा माहौल में जाने का क्या शौक चढ़ जाता है। अगर मोहब्बत सच्ची है ना तुम्हारी, तो रिश्ता लेकर आओ। एक बार रिश्ता हो जाए ना, तो जाके किसी ढाबे पे चाय पियो या फिर किसी पार्क की टूटी हुई बेंच पे इजहार मोहब्बत करो, किसी को इतराज नहीं होगा। आई समझ? लड़की कितनी संगदिल है, या अल्लाह इसके दिल में भी किसी के लिए मोहब्बत डाल दे, आमीन। यस। हाँ, क्रीम केक। सुनो छोड़ो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये माहिर के लिए मैंने बनाया है। मंगवाया है? हाँ मतलब मंगवाया है, और तुम्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं और माहिर आज शाम की चाय साथ बैठ के पीने वाले हैं, और हाँ हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना हमारे बीच में, और तो और दोस्ती से बात ना अब हमारी बहुत आगे चली गई है। ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तुमने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। गिफ्ट चढ़े मिल जाएंगे पूरे घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के भी। हाफिज, क्या मतलब तुम्हारा? वो माहिर आ गया। माहिर बैठो ना, चाय ठंडी हो रही है। बाकी सब क्या? अरे बाकी सबको छोड़ो, तुम चाय पियो। और सुनो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें? हाँ मैं तो बैठने ही वाली थी। सुनो मेरा मतलब ये था कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि किचन में जाके तुम्हें आप ही की मदद करानी चाहिए, तो उनको तुम्हारी जरूरत होगी। नहीं चलो। वाह भाई वाह, आज तो चाय की मेज पे बड़ा एहतमाम किया गया है भाई, मुझे भी एक कप चाय दो। वाह वाह वाह। कि मेरी चाय में चीनी क्यों डाली है? ज्यादा मीठा हो गया, ये रहने दो। तुम ये ना ये केक ट्राई करो, ये बहुत मजे। मैं ये केक, चीनी, ये सब चीजें मैं नहीं खाता।
तेरी डाइट खराब हो जाएगी। ओ चलो छोड़ो, ये चाय का कप मुझे पकड़ाओ। शाबाश। और ये केक काट के दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जरूर, दोनों खाते हैं। अभी देती हूँ मैं आपको डालकर। ये स्टील लग रहा है ना, ये ले कांटा या चम्मच। कांटा से मैं भी खाऊंगी। एक मिनट मोना, तुमने केक कहाँ से मंगवाया? बहुत ही मजे का भाई। वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। हाय मोना मेरी जान, अगर तुम रोज ये चाय रख दो ना, मजा ही आ जाए। क्यों चाचा? पूछ आई डोंट माइंड। हाय बेचारी मोना, तो कप ही नहीं बचा, ये बेचारी किसमें चाय पिएगी? वो चाय का क्या है, चाय और बन जाएगी। क्यों, ये नगेट तो ट्राई करो। हैं आप खाएंगे? बल्कि छोड़े, ये डाइट खराब हो जाएगी, हम खाते हैं। वो बिस्किट तो दिखाए जरा। हाँ ये ओ ये बिस्किट छोड़ो, ये येलो येलो ये खाओ। ये टार्ट है, टार्ट लेमन टार्ट है ना मोनू? ओए आइए ना, आइए ना, बच के जरा आइए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर पे खुद चलकर आई हैं। हाँ वो आंटी और लायबा से मिलने के लिए आई थी। पता है पता है, तुम लड़की ना बड़ी गुन्नी और मिस नहीं होती। मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद क्या, तुम उससे मिलने आई थी ना। हाँ उससे मिलने आई थी ना। ये बात आप रानिया के सामने करेंगे ना, तो वो अच्छी तरह से आपको बताएगी गुन्नी और मिसनी का क्या मतलब होता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो, अंदर आओ ना, आओ प्लीज। मामा मामा देखे कौन आया है, जिसके आने से पूरा घर रोशन हो गया। बात सुने, उल्टी सीधी बातें कहेंगे तो मैं चली जाती हूँ फिर। अरे नहीं नहीं मामा आ गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ए राबिल बेटा, तुम और यहाँ क्यों रुकी हुई हो? आओ अब बैठो। आओ ना, आओ ना। मामा इनको लगा कि आप घर पे नहीं है, ये तो अंदर ही नहीं आना चाह रही थी। इनको ऐसा लगता है कि घर पे जो खातून ना हो तो मैं अकेली नहीं आती। समझदार लड़कियाँ ऐसी होती हैं। आओ बेटा बैठो। फरहाद लाइबा कहाँ है, उसे बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। नहीं अयाज। अस्सलाम वालेकुम राबिल भाजी, कैसी हैं आप? कैसी हो? कितने टाइम के बाद आई आप, मैं घर पे बोर होती रहती हूँ, आप आ जाया करें ना। लाइबा बेटा तुम भी इनकी तरफ चली जाया करो, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। ऐसे मेरी मामा को ना बहुत कम लोग पसंद आते हैं। हाँ इसीलिए तो मैं अब तक कवारा बैठा हूँ, क्योंकि बाजी को कोई पसंद ही नहीं आता। अयाज तुम तो चुप हो जाओ, जहाँ भी हो अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते। वैसे क्या सीन है, मेरा मतलब है कि कोई ट्रेजेडी हुई थी? हाँ हाँ बड़ी लंबी दास्तान है और नहायत बोरिंग, तुम दफा कर छोड़। तो इसीलिए अगर आपकी कोई दोस्त हो, क्योंकि फ्रेंड सर्कल तो आपका होगा, कोई मोहल्ले में कोई ऐसी जानने वाली हो जिनकी बड़ी बहन बेशक तलाक याफ्ता हो, बेवा हो और इंटरेस्टेड हो शादी में, होता ना लोग बैठे होते हैं और उनको उनका आइडियल नहीं मिलता, तो अगर हो तो रابطہ करवा सकती हैं आप मुझसे भी। आप बेफिक्र रहें, मैं रानिया से जिक्र करूंगी ना तो वो आपकी शादी के लिए किसी की तलाक भी करा देगी। अच्छा वाकई में है, तो क्या क्वालिटीज़ है लड़की में? अब मैं तो खुद से खुद रابطہ करूंगी, क्योंकि हमारे भांजे ने तो उसको बहन बनाया है, तो इस नाते वो हमारी भांजी लगी। अयाज प्लीज चुप। बेटा तुम्हारे वालदैन कहाँ होते? वालदैन तो नहीं है मेरे, बचपन में इंतकाल हो गया था उनका, तब से मैं और मेरी बड़ी बहन ना नानी के घर पे रहते हैं। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था, तुम्हें पूछकर तुम्हें दुखी कर दिया। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे है? करता क्या है? सलोन है अपना। उर्दू में नाई कहते हैं ना। अच्छा एक मिनट, ये कैसा? अरे मरता है मेरे ऊपर, कहता है चांद ताले तोड़ के ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। करता क्या है? प्यार करता है मुझसे। काम तो क्या, बस करता है कुछ। क्या करता है बताओ ना। मोबाइल की दुकान है और ये मोबाइल भी उसी ने गिफ्ट किया मुझे। बड़े खुश लग रहे हो। कुछ तो वाकई बहुत हूँ। फरहाद के घर गई बहुत अच्छा, और इससे भी ज्यादा अच्छी उसकी फैमिली है। मैं रूम में जाकर तुम्हारा और भाई बताऊंगी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ महीर, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, है अभी दिलो दिल में मोना तुम्हें याद कर रही थी। लगता है मेरा पुत्र शॉपिंग करके आ रहा है। जी दादी।
अरे इतना बड़ा शहर है, इतनी मेरी जान पहचान है, अब ये शॉपिंग करना, ब्रांड्स एंड ऑल, ये सब तो करना पड़ता है ना फिर दादी। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? देखिए कितना बड़ा ब्रांड कॉन्शियस इंसान हूं मैं, इतने सारे पैसे खर्च किए मैंने, अपनी राय का इजहार करके इस मेरे मुंह का सत्यानाश नहीं करेंगी आज। मैं लोगों के मामलात में ना दखल नहीं दिया करती। ओहो ओहो, बच्चों सुना आप लोगों ने? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तो आ गई है। अम्मा जी देख लिया बिन, अब अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो सारी रात गर्म तवे पे एक टांग से नाचेंगे। ओहो, तुसी दोवे रल मिल के सुला सफाई के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? जब देखो किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे तुम लोग बहस करते रहते हो। मैं कहाँ बहस करती हूँ? सच्ची बात तो ये, कैसे मगरूर और नकचड़े इंसान से ना बात करने का दिल नहीं चाहता मेरा। ये तो यही है जो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करते रहते हैं। पुत्र, निक्की जी कुड़ी है, इसकी बातों को तू दिल पे क्यों लेता है? तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरी दादी हैं या इसकी, जब देखो हर वक्त इसी की साइड लेती रहती हैं आप। पुत्र रहने दे तू। अम्मा जी वैसे रानिया को इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी हमारे महीर के बारे में। तन माहौल कर दिए कुड़ी, ये तो ऐवें ही सीरियस ले लेता हर बात को। कोई माहौल नहीं लग रहा था मुझे, छोड़ दे इनको। चुप वैसे आपने गौर किया है अम्मा जी, हमारी मोना कितनी समझदार हो गई है। अच्छा ए, समझदारी की कौन सी चीज नजर आई है तेनू? है वो चेहरे पे इतनी संजीदगी आ गई है, पेशानी रोशन हो गई है। कल सुन, मेरी तो नजर हो गई है कमजोर, तो मुझे तो ये चीजें नजर नहीं आती, लेकिन अगर तू कहती है तो काफी मेरे लिए। मुन्नो अब देखिए ना माँ जी, जब से यहाँ आई है घर पे पड़ी हुई है बोर, मैं सोची थी अगर आप महीर को कह दें कि कहीं घूमने घुमाने ले जाए ना। ते सारियां जिम्मेदारियां माहिर दी क्यों नहीं है, तू ते हमाद लेके जाओ इसने घूमने फिर आने। माँ जी वो क्या अम्मा है जी? कि मैं... अम्मा जी वो हम जा रहे थे बुक्स लेने के लिए मार्केट, और हम जल्दी से आ जाएंगे। चलो चलो रुको रुको रुको, मोना तू उठ जाके कोई टांग दे कपड़े पा, ते जा इनके साथ घूमने फिरने, बड़ा शौक है तुझे जाने का बाहर। नहीं अम्मा जी, हम घूमने फिरने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो बस यू गए और यू आए, बुक्स लेनी है दो चार हैं। चलो 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 वापस। इतनी हंसी खुशी हस्ती मुस्कुराती तैयार श्यार, बड़ी बुक्स लेने जा रही है, हैरानगी की बात है ना। ते तेनू की है कुछ नहीं, शुक्र उस मोना को कटा दिया, बीबीसी न्यूज है पूरी, उसे तो सबको बता देना था। हाँ मैं तो डर ही गई थी। हाय पर मुझे लग रहा है उसको बुरा लगा होगा। छोड़ो ना, वैसे भी जब कॉल है। हाँ जी हेलो, हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। क्या कह रहे हैं? बाबा आ गए फूड कोर्ट में बैठे। तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? जाके मिले उनसे हम ना, जब तक विंडो शॉपिंग करते हैं। हाँ छुप छुप के ना देख पा रहे, बड़ा मजा आएगा, हम क्या कबाब में हड्डी बनेंगे, आप अकेली जाए जाए। गुड लक, अब हम क्या करें? शॉपिंग नहीं, शॉपिंग करेंगे। चलो मैं सोच रही हूँ यार, यहीं से कुछ ले लो प्लीज राबेल, देखो इतनी अच्छी चीजें लगी हुई हैं, अच्छे तो लड़कों के लिए ले लेती हूँ, एक दफा आगे चल के देख लेते हैं। 50% ऑफ लगा हुआ है, यहीं से लेना है तुम्हें। इनको एक्सचेंज कर दो ब्रो। श्योर सर। सर आपके साइज का शुतुर? नहीं नहीं साइज बिल्कुल ओके, एक्चुअली इन शर्ट्स में हमारे शहजादे के ना सिक्स पैक प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तो हम दोनों पक्के पक्के मारे जाएंगे। मारे तो तब जाएंगे ना जब ये हमें देखेगा। पीछे रहो। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है यार। एक्चुअली इस प्रिंट की और शर्ट्स हैं मेरे पास, ऐसे प्रिंट दोबारा रिपीट नहीं करता। विल गेट समथिंग न्यू। मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूं, हम देखते हैं। ओके आ जा, ये अच्छी लगेगी तुमको। ओए हां यार ये अच्छी, आजकल ये प्रिंट वैसे ही बहुत चला हुआ है, मैं भी शेयर कर लूंगा। शॉपिंग करने आज कितना टाइम का भी यार, बस शॉपिंग करना है यार। माहिर कसम से बहुत भूख लग रही है, पहले पेट पूजा फिर कान दूजा। यार अभी हम शॉपिंग करने आई हैं और तुझे भूख लग गई है? भूख? अब हम शॉपिंग करें या बैठ के खाएं? डॉलर में पैसे आते हैं तेरे, और इतनी कंजूसी।
कंजूसी नहीं कर रहा यार। तू भी क्या याद रखेगा, चल पहले कुछ खाएंगे फिर शर्ट्स एक्सचेंज करवाने दोबारा आएंगे। आजा फूड कोर्ट चल। फूड कोर्ट आपी समनापी को कॉल मिला? कॉल? फोन? फोन तो लेकर ही नहीं आई। तुम्हारे फोन में नंबर है आपी का? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। शिट, अब क्या करें? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज हमारे साथ साथ ना आपी और बाप भाई भी मारे जाएंगे। कुछ करना होगा। कुछ करो। कुछ करना होगा, कुछ तो रोकना होगा। कुछ तो कर बाप। कितना मिस किया मैंने तुम्हें यार। I missed you so much. I miss you too. हद है यार। मतलब हम लोग मियाँ बीवी हैं और मैं इस तरह छुप छुप के मिलना पड़ रहा है यार। तो रानिया ने होती तो आज भी ना मिल पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको ये भी पता है वहां मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ ना यार, इसीलिए तो आज यहाँ बैठा हूँ। वरना मैं अनाथ का शिकार हो गया होता और यहाँ कभी ना आता। सब मेरी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाए और तुम घर आ जाओ। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मुझे कैसे? कैसे? रानिया है ना? रानिया? उसने ये मामला अपने हाथों में ले लिया है। माँ जी और महीर भाई दोनों को वही हैंडल करेगी। कसम से। हाँ भाई क्या खाएगा? टिक्का। टिक्का खा के तेरा मुंह भी टिक्के जैसा होता जा रहा है। चल कुछ और खाते हैं यार। चोरी क्या की उसने? इसका फोन? हाँ। तुम्हारा फोन कहाँ से? मेरे सामने से। अरे नहीं तुम की कहाँ पे जब चोरी हुई? वो घर तुम्हारे बगैर जंगल लग रहा है यार। खबर ने बताया था मुझे यहाँ पे कयामत आ गई। तुम दोनों का रोमांस खत्म हो रहा है। क्या हुआ है? 5 मिनट भी नहीं हुए रोमांस करते हुए दोनों बाद मिली अपने मियाँ से। अगर आप 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना उसके बाद कयामत आ जाएगी और उसके बाद आप आपकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देख सकते क्योंकि माहिर भाई मॉल में है और वो 2 मिनट में मेरे पास आ जाएगी। कमाल बात कर रही हो। पुलिसका पता है बीवी है मेरी यार वो। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आऊं और पकड़ा जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। हां मियां बीवी कहां डेट मारते हैं, लेकिन आप ना आप निकल जाएं। मुझे जाने का कह रही? आई मिस यू। जानू जिंदा रहेंगे तो दोबारा मिलेंगे ना। आप जाएं आप जाएं। आई विल सी यू सून। जाओ जल्दी उन्हें सामान उठा चले चले चले। वैसे अगर आप दोनों पकड़े जाते ना तो बहुत बुरा होना था। माही भाई ने तो इतनी बातें सुनानी थी कि बस। सही कह रही है रानिया, वैसे तुमने क्या तरकीब निकाली है। वेरी गुड। बाकी बेचारे ना हैरान परेशान खड़े खड़े देख रहे थे कि ये हो क्या। अच्छा जी, इससे पहले अम्मा जी आकर हंसने की वजह पूछने आप दोनों उठ के अपने रूम में जाएं। चलें। सही कह रही है। अम्मा जी ने आते साथ पूछना है, तुम लोग वो बुक्स तो दिखाओ जो लेने के लिए गए थे। सही बात है, भागो भागो। शहजादा हजूर फरमा रहे थे आकर तबीयत साफ करेंगे। तो अम्मा जी क्यों? कबीर अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं रानिया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रानिया बेटी? सब ठीक है ना? खैरियत है ना? कोई वहां पे किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाय छोड़ें, जानने इस बात को। इसका मतलब है पुत्र जी कि कोई मसला है। डरने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र जी, खुलकर बताओ मुझे क्या बात है। नहीं वैसे तो सब ठीक है, मगर ये जो आपका बेटा है ना इनको शायद मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्यों पुत्र जी, तुम तो माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची हो। उनको तो नहीं लगता ना ये, उन्हें लगता है कि मेरे यहाँ आने से घर का खर्च बढ़ गया है, कि शॉपिंग के पैसे जो कम पड़ जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ना उन्हें अपने खाने पीने का खर्च देना शुरू कर दूँ।
दबीर हसन का बच्चा हो के ऐसे सोचता, कितनी घटिया सोच है उसकी। तुम बुलाओ उसे, मैं अभी उसकी तबीयत साफ करता हूँ, बुलाओ जरा उसको। अभी कहाँ, अभी तो वो पूरे शहर का राउंड मारेंगे और फिर कहीं देर रात घर वापस आएंगे। और आपको पता है, कोई नहीं पूछता उनसे कि कहाँ से आ रहे हो, कब आ रहे हो, सब डरते हैं उनसे। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, जब सारे घर का खर्च चलाएंगे तो गरूर तो बनता है। आपको पता है बहुत गुस्सा करते हैं और सारे घर वाले उनके गुस्से से इतना डरते हैं। मेरी बात सुनो पुत्र जी, तुम्हें बिल्कुल उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बाहर जो भी कहता है ना, कान मत धरा करो उसकी बातों पे। समझ आई है, तुम्हारे चाचा का घर है, डंके की चोट पे रहो यहाँ पे तुम, ऐसी की तैसी उसकी है। और सुनो, मुझे ना ताजा बताजा सूरत हाल से ना तुम इन्फॉर्म करती रहा करो, ठीक है? बस ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, जीती रहो जीती रहो, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा माहिश, मेरी तबीयत साफ करोगे, अब तुम्हारी तबीयत साफ होगी इंशाल्लाह। आया बड़ा, ये मसला भी हल हो गया, थक गई हूँ मैं तो। दबीर जी, स्वीटी जी, को ये कॉफी फेंट रहा हूँ, इधर आओ। हाँ जी, बस 5 मिनट और दे दे, आ गई कॉफी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप जाग रहे हैं? हाँ भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज फिर आने में देर हो गई। जी, एक इमरजेंसी थी इसीलिए देर हो गई। आप सो जाते हैं ना, मेरी नौकरी तो ऐसी है, देर सवेर हो जाती है मुझे। तुम्हारा इंतजार मेरे लिए बोझ नहीं है बेटा, तुम आते हो तो मैं देख लेता हूँ, फिर चैन की नींद आती। खाना खाया? नहीं बाबा, सीरियस कंडीशन थी पेशेंट की। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने उस लड़के की जान बख्शी, हमें उसके वालदैन के सामने सुरखरू किया। हमें सब में होश ही नहीं रहा खाने का। मुलाजिम भी सो चुके हैं, तुम एक काम करो, चेंज करके आओ, खाना मैं गर्म कर लेता। अरे प्लीज, आप जहमत क्यों कर रहे हैं बाबा, मुझे शर्मिंदगी होती है, आप आराम करें, मैं खा लूंगा। इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है, तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। जाओ शाबाश, चेंज कर लो, मैं खाना गर्म करता हूं। इस टाइम पे किसी को है? डैड। हेलो डैड, कैसे हैं आप? और जिस प्यो का पुत्र जो है, इकलौता पुत्र, वो घर की रवायात भूल जाए, खानदानी वकार की धजियां उड़ा दे, घर में किसी को खातर में ना लाए, मेहमानों के साथ बदकलामी करे, भाई उस प्यो का क्या हाल होएगा? है पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। अरे मैं तो आपका हाल पूछ रहा हूँ डैड। वैसे सुने, अच्छा ही हुआ आपने मुझे कॉल कर ली, अभी थोड़ी देर में मैं आपको कॉल करने वाला था। क्या हुआ जी, किस सिलसिले में? वो एक्चुअली डैड, कुछ रकम की जरूरत थी, अपने फ्रेंड्स के साथ भाग। बस, कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, जानता हूं मैं, मेरा पुत्र उसी वक्त सिर्फ कॉल करता है जब उसे एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत होती है। असल में डैड, मुझे पता है कि आप वहां पे कितना बिजी होते हैं, आपकी लाइफ इतनी टफ है वहां पे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार कॉल करके आपको तंग करूं, जब काम होता है तभी कॉल करता हूं। कितना फखर करता था मैं तुझ पे, है पर तूने मेरा फखर, मेरा मान सब मिट्टी में मिला दिया तूने। मैंने? कब, कहां, कैसे? अरे बिरजू, और ये मसूम मसूम शक्लें बना के ना, और तू मुझे अब इम्प्रेस नहीं कर सकता, तेरे चेहरे से ना निकाब उतर गया। निकाब? हैड, ये आप क्या मजाक कर रहे ना? अरे जिसकी जिंदगी को उसकी औलाद ने मजाक बना दिया हो, वो क्या किसी के साथ मजाक करेगा। अरे सुधर जा, अभी भी वक्त है। अरे अपने पियो की तरफ देख,
और मैं यहाँ इतनी खुली आजादी में भी, इस मुल्क में भी मैंने अपनी अपनी रवायात जो है ना उनको कायम रखा हुआ है, और तू पाकिस्तान में रहते हुए भी भाई अपनी रवायात भूल गया, शर्म नहीं आई तुझे? क्या कह रहे हैं आप, मैंने क्या कर दिया ऐसा? रातों को तुम देर से आते हो और किसी को ये पूछने की इजाजत नहीं है कि तुम रात को इतनी देर से कहां आवारा गर्दी करके आ रहे हो? ये सारी बातें आपसे कही किसने? अरे बिरजू, कोई दबा रखा है तूने सारे घर वालों को, और किसी में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो मुझे फोन करके तेरी शिकायतें लगाए। अफसोस, सब अफसोस। अब तुम उस सच बोलने वाली का नाम जानना चाह रहे हो है? ताकि तुम उसे सजा दे सको। शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए, डूब मरो। ऐसी बात नहीं डैड। हेलो कबीर जी। जी 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 आया 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 मैं आया। सच बोलने वाली मतलब कि ये शिकायत किसी खातून ने लगाई? समझ तो मैं गया हूं कि ये किसका काम है, सबूत हाथ में आ जाऊंगा, ऐसा आशीष करूंगा उसका कि जिंदगी भर याद रखेगी। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।